अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आयशा सरवर। तो ये ईद का थर्ड डे का व्लॉग वीडियोस बनाई हुई थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ थोड़ी सी वीडियोस। तो मैंने बनाया ईद के चौथे दिन शायद मेहंदी लगाई थी, तो वो भी पिक्स हैं। ईद के टाइम तो लगाना हुआ नहीं क्योंकि अचानक ईद हो गई थी, आप सबको पता है। अचानक ईद होने की वजह से तो किसी मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, ये मैंने बाद में लगाई। तो मैंने बस सिंपल से डिज़ाइन यानी भाभी ने लगाए थे, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं थोड़े से। तो आप लोग बताइएगा कैसे लगे डिज़ाइन। ये थोड़े से डिज़ाइन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कैसे लगे मेरे डिज़ाइन। ये मैंने टैटू टाइप का किनारे पे थोड़ा सा बना दिया था, लिख लिया था। और ये देखें ये कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और ये वाला जो डिज़ाइन है मेरी भाभी ने लगाया था, छोटा सा बंच, और ये वाला भी। और ये मैंने ना टैटू टाइप का थोड़ा सा लिख दिया था कि धड़कन टाइप बनाई थी, और लव लिखा था और के लिखा था। तो आप लोग मुझे बताइएगा कैसी लगी मेरी मेहंदी और ईद कैसी गुजरी आप लोगों की। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आप लोग लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। मेरा मुझे इंतज़ार रहेगा। और ये बटरफ्लाई भी है ना, हल्के से बनाए थे। और फिर मैंने ना शीर खुरमा बनाया था तीसरे दिन, तो मैंने सोचा था कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन ना मैंने सोचा था कि वीडियोस बनाऊंगी। बिरयानी भी बनाई थी, बिरयानी की वीडियो तो मेरे कुकिंग के उस पर हैगी, तो मैंने सोचा था कि ना मैं बनाऊंगी वीडियोस इस तरह खाने की। फिर अच्छा नहीं लगता ना सबके सामने बनाना दस्तरखान लगाते हुए और इस तरह ये सब करते हुए, क्योंकि ज़्यादा किसी को पता नहीं है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये जब मैं बना रही थी ना, तो उस टाइम मैंने कहा थोड़ी सी बना दूँगी, अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी तो फिर मैं रेसिपी बता दूँगी। और उस दिन टाइम ही नहीं हुआ था कि मैं रेसिपी शेयर करती आप लोगों से, तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी से बस घर के काम निपटा रही थी ना, तो टाइम ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा बस थोड़ी सी शेयर कर दूंगी कि मैं कैसे शेर खुरमा बनाती हूँ। एंड में मैंने डाल दिए थे, क्योंकि पहले डालो ना तो नरम नरम हो जाते हैं, तो वो थोड़े ना मुंह में आते हुए अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने कहा बेटे को थोड़ा सा मोबाइल पकड़ लो, मैं ये थोड़ा सा बना दूँ वीडियोज़ ना, तो इस वजह से देखें कैसे लग रहे हैं, मज़े के लग रहे हैं ना। ये शेर खुरमा बन रहा है, मतलब बन के तो तैयार हो गया, बहुत इजी रेसिपी। अगर आप लोगों आप लोग कहेंगे तो मैं ये रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों से। मैंने इसमें किशमिश डाले थे, वो नहीं डाले, क्या कहते हैं छुआरे, वरना मैं छुआरे भी डालती हूँ, छुआरे नहीं डाले थे, बादाम, पिस्ते, इलायची और किशमिश डाली थी। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ज़्यादा यानी बहुत आसान रेसिपी है। आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी लाजमी बताइएगा। और फिर मैं मोहम्मद इसाक को और सैरिम को तैयार कर रही थी, ये थर्ड डे की है इनकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे। तो और कल भी मैंने इन्हें तैयार किया था अच्छे से, तो वो वीडियो मैंने बनाई बना नहीं सकी। ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डे की वीडियो मैंने आपसे शेयर कर दी। और ये आप ही ने मैक्रोनी बनाई थी, तो उस एरम को मैं खिला रही थी, तो मैं कहा थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बना दूं और आप लोगों से शेयर करूं। ये देखें वो दिल बना के दिखा रहे थे कि मम्मा वीडियो में ना दिखाएं मैं दिल बना रहा हूँ, तो मैंने कहा अच्छा ये देखें ये देखें ऐसा नीचे खड़े हुए ना। और मैक्रोनी किस किस को पसंद है, मैक्रोनी की भी मेरी रेसिपी है, बहुत इजी तरीका है। अगर आप लोग बताइएगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया करूँगी, और मैं देखूँगी इसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी जो मेरी मैक्रोनी की रेसिपी है ना उसका लिंक दे दूँगी। बहुत इजी तरीका, यम्मी सा है। और ये वाला सूट मैंने आप लोगों को दिखाया था,
तो मैंने ये वाला पहना था। और एक सूट जो मैंने आप लोगों को दुपट्टा दिखाया था ना, वो बाद में सिल के आया, मैं सोचूँ वो बकरीद के लिए रख दूँगी। और ये देखें, मैं इंशाल्लाह जल्दी से होम टूर दूँगी अपना। और ये अल्लाह हाफिज़।